चलिए 6 नंबर से आज की क्लास में स्टार्ट होगा ना। 6 नंबर से दीजिए पहला सवाल, समझिए पहले सवाल में क्या कुछ कह रहा है और कैसे बनाएंगे। 6 नंबर की सवाल में कह रहा है निम्नलिखित संख्याओं की सूची में कौन एपी में है। तो यहाँ संख्याओं का सूची दिया गया और पूछ रहा है कौन एपी में है। कह रहा है यदि ये समांतर श्रेणी बनाते हो तो इनके सार्व अंतर ज्ञात करें और इनके आगामी तीन पदों को लिखें। यानी कि नीचे जो आपको एक से लेकर के 15 तक जो सूची दिया गया है इसमें से आपको सबसे पहले ये बताना है कि कौन एपी में है, ठीक है। और यदि एपी में है तो सार्व अंतर लिखने के लिए कह रहा है और आगामी तीन पदों को लिखने के लिए कह रहा है। तो आपको पहले की क्लास में ये बता चुके हैं कि एपी में कोई भी सूची तभी हो सकता है। सूची का मतलब यहाँ अनुक्रम, संख्याओं का मतलब समूह, ठीक है ना। तो इसको सूची शब्द से लिखा है। तो सूची का मतलब समझना है कि यहाँ अनुक्रम दिया गया है और अनुक्रम में कौन एपी में है यह बताने के लिए। तो एपी में होने के लिए आपको बताया गया था किसी भी अनुक्रम या सूची में हाँ पदांतर या सार्वंतर समान होना चाहिए, ठीक है ना। सूची में दूसरे पद और पहले पद का अंतर, फिर इसका मतलब जो है ना तीसरे और दूसरे पद का अंतर, इसी प्रकार से आपको जगह जगह पर चेक करके देखना होगा कि क्या यह जो है इसका सार्वंतर समान हो रहा है या नहीं हो रहा है। तो किसी भी हाँ किसी भी सूची का एपी में होना इस प्रकार हम लोग निर्धारित कर सकते हैं कि उसका सार्वंतर समान हो। जब किसी सूची का सार्वंतर समान होता है तो वह क्या होता है, एपी में होता है। तो एक नंबर की सवाल में दीजिए, एक नंबर में पहले जो सूची दिया गया है वो सूची लिखेंगे, यहाँ पर लिख देंगे सूची। सूची में क्या है, एक है कोमा माइनस एक है, माइनस तीन है, माइनस पाँच है, डॉट डॉट डॉट, यह एक सूची है। और इसमें हम लोग को ये बताना है कि यह सूची एपी में है या नहीं। तो इसके लिए सबसे पहले हम लोग को सार्वंतर निकालना है, यहाँ पर लिख देंगे d बराबर माइनस एक में से एक घटेगा तो क्या हो जाएगा, माइनस दो हो जाएगा, है ना। फिर यहाँ पर से माइनस एक में से एक को घटाए तो माइनस दो हुआ। अब माइनस तीन में से माइनस एक को घटाएंगे, समझ रहे बात को, माइनस तीन में से माइनस एक को, तो माइनस तीन यहाँ पर माइनस होता है, यहाँ का मान का भी माइनस है तो प्लस हो जाएगा, समझ रहे ना। तो माइनस एक का माइनस सूत्र का तो प्लस हो गया, तो इसका हल करेंगे तो माइनस दो होगा। अब यहाँ भी गौर से तो मतलब थोड़ा सा ध्यान दीजिए कि अगर यहाँ से सार्वंतर निकालेंगे तो माइनस पाँच में से माइनस तीन घटेगा, है ना। माइनस पाँच इंटू माइनस माइनस प्लस तीन हो जाएगा, तो माइनस पाँच प्लस तीन कितना हो जाएगा, माइनस दो। तो क्या देख पा रहे हैं कि इस सूची में जो है ना सार्वंतर क्या हो जा रहा है, समान हो जा रहा है, इसलिए इसको क्या कहेंगे, यह एपी में है। तो नीचे लिख देना अतः दी गई सूची एपी में है, एपी में है। अब इसका हम लोग को क्या निकालना है, सार्व अंतर। तो सार्व अंतर वही होगा अभी जो निकाले हैं, ठीक है ना। सार्व अंतर डी बराबर माइनस दो आया है, माइनस दो लिख देंगे। और जब यह एपी में है तो इसमें एक बात और कहा है कि जब एपी में है तो आप इसका आगामी तीन पद को लिखिए। आगामी तीन पद मतलब ये हुआ एक दो तीन चार, चार गो पद दिया हुआ है, पाँच छ सात निकालना है। तो पांचवा पद निकालना है तो इसके लिए लिख देना है ए फाइव। क्या लिखेंगे, ए फाइव। और ए फाइव को क्या लिखेंगे जी, ए प्लस फोर डी लिखेंगे, ए प्लस क्या लिखेंगे, फोर डी। अब यहाँ देखिए ए का मान क्या होगा, एक, तो एक प्लस चार गुना डी का मान माइनस दो। अब इसको हल करके लिखिए, देखिए एक
हुआ, अब प्लस चार गुना माइनस दो, तो पहले चार गुना माइनस दो माइनस आठ हो जाएगा, तो एक में से आठ घटेगा, इसका मतलब एक में से आठ घटेगा तो कितना बचेगा, तो यहां पर लिख देंगे माइनस सात। फिर जाकर के हम लोग को क्या लिखना है, ए सिक्स लिखना है, ए सिक्स को क्या लिखना है, ए प्लस फाइव डी, ठीक है, ए प्लस क्या लिखेंगे, फाइव डी। अब देखिए ए प्लस फाइव डी लिख दिए, ए का मान एक, अब प्लस पांच गुना माइनस दो। अब यहां ध्यान से देखिए कि एक में से क्या घटेगा, पांच गुना माइनस दो तो माइनस दस, तो एक में से अगर दस घटेगा तो कितना बचेगा, माइनस नौ। तो ये दूसरा मतलब हो गया, आगामी का दो पद हो गया और एक पद और हो जाएगा ए सेवन। ए सेवन को क्या लिखेंगे, ए प्लस सिक्स डी, अब बराबर क्या होगा, ए का मान एक, अब प्लस छ गुना माइनस दो। अब इसको हल कर दीजिए, कितना होगा, माइनस ग्यारह। तो यही आंसर हो गया इसका, ठीक है ना, आंसर हो गया, समझ में आ गया है, समझ में आ गया ना। अब देखिए इसी में दूसरा नंबर को देखिएगा, तो चार में से दो घटेगा तो कितना होगा, दो, आठ में से चार घटेगा तो कितना होगा, तो क्या इसका सार्वांतर समान है, हाँ, तो यहां पर ये चीज दोनों चीज निकालना है, डी एगो निकालना है, पहले लिखना है क्या, चार माइनस दो तो दो, फिर डी निकालना है आठ माइनस चार, हल करके आठ माइनस चार करेंगे तो चार, तो इस यहां पर समान नहीं हुआ है, तो यहां पर लिख देना है दी गई सूची एपी में नहीं है, तो लिखने हो जाएगा, तो इसको समझ गए तो आप आराम से बना सकते, बाकी ये सब नहीं निकलेगा, ना सार्वांतर होगा ना आगामी तीन पद होगा, हाँ, बस ए केवल यह लिखना है, ऐसे दे करके दो नंबर दे करके सूची लिखना है, सूची लिख करके क्या लिखना है, सूची में दो कोमा चार कोमा आठ कोमा सोलह डॉट डॉट डॉट, ठीक है ना। तो इसमें d बराबर पहले लिखना है चार माइनस दो, चार माइनस दो, दो हो जाएगा, फिर d बराबर लिखना है आठ माइनस चार, तो कितना होगा बताइए, चार हो जाएगा। क्या सार्वांतर समान हुआ है, तो इसलिए क्या होगा, एपी में नहीं होगा, तो नीचे लिख देना, अतः दी गई सूची एपी में नहीं है, एपी में नहीं है। तो जब यह एपी में नहीं है तो ना इसका सार्वांतर होगा ना आगामी इसका तीन पद होगा, तो इतने पर ही आंसर हो गया, समझ गए ना बात को। इसी टाइप से आपको जो है ना टोटल पंद्रह तक बनाना है, पंद्रह तक ये आपको बनाना है। इसमें से देखिए आपको सब सवाल बनने वाला ही है, रूट वाला आपको आराम से बन जाएगा, रूट को थोड़ा सा हल कर लेना, जैसे रूट तीन दिया है दस नंबर में, दस नंबर की सवाल को एक बार हम समझा दे रहे हैं, जैसे सूची में क्या लिखना है, रूट थ्री, अब बारह को लिख देना है कितना, दो रूट तीन लिख देना है, दो रूट तीन, अड़तालीस है तो अड़तालीस को क्या लिखना है, चार रूट तीन, एक सौ बिरानवे है तो एक सौ बिरानवे को हल करके, हाँ, एक सौ बिरानवे को हल कर देना है और उसको लिख देना है, ठीक है ना, और उसका सार्वांतर निकाल के देखना है कि सार्वांतर अगर समान होगा तो एपी में होगा, सार्वांतर समान नहीं होगा तो एपी में नहीं होगा, तो करने हो जाएगा ना पंद्रह तक। चलिए पंद्रह तक आप लोग कर लेंगे। अब इसके बाद हम लोग सात नंबर की सवाल को देखेंगे, सात में टोटल सवाल दिया है सात गो, ठीक है ना, छ गो है, तो फिर छ गो काहे बोल रहा है। तो सात नंबर में सबसे पहले सवाल को आप समझिए क्या कह रहा है, सवाल को ध्यान से अपनी गणित की ओर देंगे और समझेंगे क्या कह रहा है। सात में कह रहा है निम्नलिखित परिस्थितियों में संबंध संख्याओं की सूची में, संबंध संख्याओं की सूची में कौन एपी में है और क्यों, कौन एपी में है और क्यों, तो ये आपको पूछ रहा है। तो सवाल पहला है इसमें क्रमागत वर्षों में एक शिक्षक का वेतन, क्रमागत वर्षों मतलब लगातार वर्षों में, यानी एक वर्षों में किसी शिक्षक का वेतन अगर आठ हजार रुपये है, हाँ, तो उसके बाद जो है उसमें वृद्धि कह रहा है कि पाँच सौ रुपया है, तो नेक्स्ट साल में यानी कि इस साल में अगर आठ हजार है तो उसके अगले साल में उसका आठ हजार पाँच सौ हो जाएगा, फिर उसके बाद उसके अगले साल में हो जाएगा उसका नौ हजार, फिर उसके अगले साल में नौ हजार पाँच सौ, फिर
उसका अगले साल में 10,000। तो इस प्रकार से एक सूची बनता है, ठीक है ना। तो इस सूची में हम लोग को बताना है कि एपी में है या नहीं, ठीक है ना। तो पहले यहाँ पर लिख देना सूची या अनुक्रम, दोनों में से कोई शब्द लिख सकते हैं। चलिए इसमें हम लोग अनुक्रम ही लिख देते हैं, अनुक्रम। अनुक्रम में क्या होगा, तो सबसे पहले 8,000 रुपये है एक शिक्षक का वेतन, तो 8,000 लिख देना है। फिर इसमें वृद्धि का रहा है 500 रुपया होता है, तो 8,500 हो जाएगा, ठीक है, 8,500 हो जाएगा। फिर उसके बाद इसमें 500 रुपया और वृद्धि होगा तो 9,000 हो जाएगा। फिर उसके बाद आगे मतलब वर्ष में इसका 9,000 कितना हो जाएगा, 500। समझ रहे बात को। तो इस प्रकार से बना लेना है और इधर क्या लिख देना, डॉट डॉट कर देना है, ठीक है। अब इसमें हम लोग सार्वंतर निकाल करके चेक करेंगे। यहाँ पर लिख देना है डी बराबर कितना, 8,500 - 8,000, तो बराबर कितना हो जाएगा, ये 500, कितना हो जाएगा 500। फिर यहाँ पर एक बार लिखना है डी बराबर 9,000 - 8,500, तो कितना हो जाएगा, 500 होगा ना। तो यह सार्वंतर हो गया, सार्वंतर दोनों का समान हो गया, इसलिए एपी में है। तो नीचे लिख देना अतः अतः क्रमागत वर्षों में शिक्षक का वेतन, क्रमागत मतलब लगातार या निरंतर, क्रमागत वर्षों में शिक्षक का वेतन एपी में है, इतना लिख देना है। कह रहा है इसमें अब क्यों है, तो ये लिख दिए एपी में है, ठीक है ना। सार्वंतर समान हुआ इसलिए, हाँ, तो इसका आपको सार्वंतर और प्रथम पद लिख देना है, ठीक है ना। तो यहाँ पर लिख देना है प्रथम पद कोष्ट में ए बराबर 8,000, ठीक है, रुपया, और इसका सार्वंतर लिख देना है सार्वंतर डी बराबर 500 रुपया। यह आंसर हो गया इसका, 7 का 1 नंबर का सवाल हुआ यह। अब इसी का 2 नंबर सवाल को समझते हैं, ठीक है। 2 नंबर के सवाल को समझते हैं। 2 नंबर के सवाल में कह रहा है प्रत्येक किमी मतलब किलोमीटर, ठीक है ना, प्रत्येक किमी का टैक्सी भाड़ा जब प्रथम किमी यानी किलोमीटर का भाड़ा 15 रुपया और अतिरिक्त प्रत्येक किलोमीटर का भाड़ा 8 रुपया है, ठीक है ना। तो इसमें लिखना है अनुक्रम, पहले अनुक्रम में लिखना है कि पहले किलोमीटर का यानी 1 किलोमीटर का भाड़ा कितना है, प्रथम किलोमीटर का भाड़ा कितना बता रहा, 15 रुपये, और क्या उसके बाद अतिरिक्त प्रत्येक किलोमीटर का भाड़ा 8 रुपये इसका बढ़ता है, तो 15 × 8 कितना हो जाएगा, 23 रुपया हो जाएगा। फिर 8 इसमें जोड़ देंगे 31 रुपया होगा, इस प्रकार से ये बढ़ता चला जाएगा, है कि नहीं। तो यहाँ पर लिख देना सार्व अंतर के लिए डी बराबर 23 - 15 = 8। उसके बाद फिर डी बराबर लिख देना 31 - 23 = 8। तो यहाँ पर लिख देना है अतः प्रत्येक किलोमीटर का टैक्सी भाड़ा जो है ना वो एपी में है, आंसर हो गया। इसका भी प्रथम पद और सार्वंतर लिख देना है, प्रथम पद ए बराबर 15 रुपये और सार्वअंतर
डी बराबर कितना 8 रुपये आंसर हो गया। ठीक है, तो 8 का या 7 का दूसरा हो गया। तीसरा नंबर में कह रहा है एक सीढ़ी के डंडों की लंबाइयां जब नीचे से ऊपर की ओर एक समान रूप से 2 सेंटीमीटर घटती जाती है, हाँ, और सबसे नीचे वाला डंडा की लंबाई 45 cm है, तो ये समझिए कुछ इस प्रकार से सीढ़ी होगा। ठीक है, तो ये पहला डंडा है, इसका कह रहा है कितना है 45 cm का है। यह दूसरा डंडा है, 45 में से 2 घटा दीजिए 43 cm होगा। फिर इसके बाद अगला डंडा 2 cm घटा देना है 41 cm, फिर उसके बाद 39 cm। ठीक है, इस प्रकार से कारा घटती जाती है। तो यहां पर लिखना है क्या, अनुक्रम लिखना है। अनुक्रम में यही लिखना है 45 cm, ठीक है, 43 cm, ठीक है, 41 cm, 39 cm, ये लिखना है। अब यहाँ पर सर्वांतर D निकाल देना है। D बराबर 43 माइनस 45 माइनस कितना 2 cm। ठीक है, उसके बाद क्या है, क्या लिखना है, D बराबर 41 माइनस 43, ठीक है ना, तो बराबर कितना हो जाएगा, -2 हो जाएगा। ठीक है ना, अब यहां पर लिख देना है, अतः एक सीढ़ी के डंडों की लंबाइयां क्या है, एपी में है आंसर हो गया। उसके बाद इसका प्रथम पद लिख देना ए बराबर 45 cm, और इसका सार्वांतर डी बराबर -2 cm आंसर हो गया। ठीक है, चलिए उसके बाद 4 नंबर का सवाल देखिए। हाँ, 4 नंबर में कह रहा है किसी खाते में प्रतिवर्ष जमा राशि, हाँ, जब 10,000 रुपये की मूल राशि 8% चक्रवृद्धि ब्याज की दर से जमा की जाती है, ठीक है ना, तो कोई मतलब व्यक्ति अकाउंट में जो है ना प्रतिवर्ष, हाँ, जमा राशि यानी कि एक साल में उन्होंने 10,000 रुपये जमा किया, उसका ब्याज जो रेट है, इंटरेस्ट रेट जो है वो 8% है, ठीक है ना, तो कह रहा प्रत्येक वर्ष में, हाँ, उसका जमा राशि कितना होता है चक्रवृद्धि ब्याज से, वो निकालने के लिए। और फिर पूछ रहा है कि वो एपी में है या नहीं, अगर एपी में है तो उसके प्रथम पद और सार्वांतर लिखने के लिए, तो पहले यहाँ पर लिख देना है क्या, हाँ, लिखना है एन वर्षों के बाद जमा राशि बराबर, इसके लिए एक सूत्र होगा, ठीक है ना, एक सूत्र होगा, मूलधन मतलब ए के लिए अमाउंट, जिसको अमाउंट बोलते हैं, जैसे आप
किसी बैंक में ब्याज पर रुपया रखते हैं, ठीक है ना, तो उसका जो ब्याज होगा वो निकाल, मतलब उसका जो मूलधन होगा वो निकालने के लिए एक सूत्र होता है, ठीक है ना, पी इंटू वन प्लस आर बाय हंड्रेड टू दी पावर एन, जो कि मूलधन का यह सूत्र है, चक्रवृद्धि ब्याज में इसका सूत्र निकालते हैं क्या, तो इसका हो जाएगा P इंटू वन प्लस आर बाय हंड्रेड और पावर यहाँ पर T मतलब समय, और समय के लिए यहाँ पर N लिख देना है, ठीक है ना, N वर्ष यहाँ लिखा गया इसलिए, ठीक है ना, तो ये लिख देना। अब यहाँ पर लिखना एक वर्ष के बाद, एक वर्ष के बाद जमा राशि, जमा राशि मान के चलिए शुरू में उन्होंने 10,000 रुपया जमा किया तो तुरंत तो ब्याज नहीं मिलेगा, एक साल होगा तभी ना ब्याज मिलेगा, इसलिए लिखे एक वर्ष के बाद जमा राशि उसका कितना होगा, तो मूलधन कितना, इसका मूलधन कितना हो गया, मूलधन पी प्रिंसिपल जिसको बोलते हैं, मूलधन मतलब प्रिंसिपल कितना है 10,000, ठीक है ना, आर का मान कितना है 8%, समय कितना है एक वर्ष, ठीक है ना, तो यहाँ पर मान बैठा के हल करना है, यहाँ लिखना है 10,000 इंटू वन प्लस आठ बटे कितना 100, ठीक है ना, यहाँ पर पावर कितना 1। अब इसको हल कर देना है, इसको हल कीजिएगा तो क्या होगा, 10,000 पल यहाँ पर इंटू, इसको हल कर देना है तो देखो यहाँ पर क्या होगा कि 10 यहाँ पर काटेगा तो और थोड़ा लफड़ा में पड़ जाएगा, इसलिए इसको मत काटो, 100 प्लस 100 गुना 1 100 प्लस 8 तो 108, इसका हल भिन्न का जोड़ में कितना होता है 108/100, तो यहाँ पर ऐसे लिख देंगे, पावर एक है तो कोई इसका नहीं कुछ होगा, तो गुना दे करके लिख देंगे 108/ कितना जी 100, ये 2 0 और 2 0 इसका कट जाएगा, तो इसका हो जाएगा 10,800 जमा राशि, 10,800 क्या हो जाएगा जमा राशि, ठीक है। उसके बाद देखिए एक वर्ष के बाद, तो यहां पर फिर लिखना कितना, 2 वर्ष के बाद जमा राशि क्या होगा बताइए, तो इसका मूलधन यही रहेगा, समझ रहे बात को ना, मूलधन इसका यही रहेगा, ये क्या निकाल रहे हैं, मिश्रधन निकाल रहे हैं, मिश्रधन मतलब समझ रहे हैं ना, हाँ अमाउंट, क्या अमाउंट, और एक होता है ब्याज, चक्रवृद्धि ब्याज, चक्रवृद्धि ब्याज में मतलब चक्रवृद्धि ब्याज निकालने के लिए वो अलग सूत्र होता है, ठीक है ना, और इसका मिश्रधन निकालने के लिए अलग सूत्र होता है, तो मूलधन वही रहेगा कितना 10,000, यहां लिखना है 10,000 इंटू 1 प्लस 8/100 और पावर यहाँ पर कितना हो जाएगा 2, समझ में आया बात। अब यहाँ देखिए इसको हल करेंगे, इसको हल करेंगे तो यहाँ 10,000 ही लिखना है अभी, गुना इधर देखिए जरा सा, इस ब्रैकेट को जब हल कीजिएगा तो 108/100 होगा ना, आ? तो 108/100 इसका होल स्क्वायर हुआ, तो होल स्क्वायर का मतलब बुझ रहे हैं ना कि यह 2 बार गुना करके लिखा जाएगा, 108/100 गुना 108/100, तो ऐसे लिख देंगे 108/100 गुना 108/100। अब इसको हल कर देते हैं, यहां पर 10,000 देना है, ठीक है ना, तो 2 0 2 0 कट जाएगा, फिर 2 0 2 0 कट जाएगा, तो मतलब 108 गुना 108 करके बताइए कितना होता, 11,664, यही ना, इतना रुपया हो गया कब, 2 वर्ष के बाद उसका राशि हो गया ना। अब 3 वर्ष के बाद निकाल लेना है, एक और निकालना है, 3 वर्ष के बाद जमा राशि क्या होगा, हाँ 3 वर्ष के बाद जमा राशि क्या होगा, तो इसमें भी क्या लिखना है, 10,000 इंटू 1 प्लस 8/100 हॉल पावर कितना होगा 3, तो इसका मतलब क्या हुआ कि यह 10,000 को लिखना ही है, 10,000 गुना 108 गुना
108 बटे 100 गुना 108 बटे 100 गुना 108 बटे 100। अब यहाँ ध्यान दीजिए, तो ये 100 से ये दो जीरो कटा, फिर 100 से ये दो जीरो कट गया, तो ये पूरा कट गया। अब देखो यहाँ पर 108 गुना 108 किया तो 11664 हुआ, और फिर उसमें 108 से गुना कर देना है, तो कीजिए गुना, 11664 में गुना कीजिए पहले 108 से, कितना होता है जल्दी से गुना करके बताइए। 108 गुना 108 1164 हुआ, 1164 में फिर 108 से गुना करके बताइए। हाँ कितना हुआ जल्दी से एक बताइए, जल्दी कीजिए। कितना हुआ गुना करके, 12। क्या बोल रहे हैं जी, 12 59। हाँ 712 बट्टे कितना होगा, 100 होगा ना, 100 अभी नहीं ना काटे हैं। हाँ अब देखिए ये पॉइंट में कितना होगा, दो अंक के बाद पॉइंट हो जाएगा, 12597.12 12597.12 हो गया। चलिए अब इतना लिखने के बाद इसका सारवंतर देखना है, यहां पर लिखिए D बराबर क्या होगा, तो पहले कितना में से कितना घटाएंगे, 11664 माइनस कितना 10800, घटाइए कितना होता है, 11664 में से घटाइए 10800, 4 6 कितना 864 हो जाएगा, तो यहां लिख देना 864। फिर डी निकालना है, अब कितना में से घटाएंगे, 12597.12597.12 माइनस 11664 घटाइए 12597। हाँ अब पॉइंट 12 इसमें से घटाना है 11664.00। दो का दो, एक का एक, यहाँ 7 में से 4 गया 3, 9 में से 6 गया 3, यहाँ पर कितना, यहाँ पर 9 6 15 ठीक है, तो ये कट जाएगा ना जी, 933.12, तो यहाँ लिख देना 933.12। बताइए सारवंतर समान हुआ क्या, हाँ सारवंतर समान हुआ, तो क्या यह एपी में होगा, तो यहां लिख देना अतः n वर्षों के बाद हाँ जमा राशि हाँ एपी में नहीं है, तो बस हो गया इसका, इतना ही लिखना आंसर, ठीक है। इसके बाद 5 नंबर इसका देखिए, 5 नंबर आपसे हो जाना चाहिए।
ना, वो एक दौर के जैसा बनेगा, एक दो के जैसा बनेगा। कह रहा है सुधा द्वारा क्रमागत वर्षों में बचत की गई राशि, तो यहां लिख देना सुधा द्वारा क्रमागत वर्षों में बचत राशि 100 रुपया, हाँ फिर 150 रुपया, फिर 200 रुपया, फिर 250 रुपया, इसका सारांतर निकाल करके समान होगा तो उसका लिख देना यह एपी में है, हो जाएगा ना। चलिए तो ये छोड़ दे रहे हैं आप लोगों को करने के लिए। 5 नंबर 6 नंबर से बताते हैं, 6 नंबर समझने वाला सवाल है, इसको समझ लीजिए, बस 2 सवाल बचा हुआ, खत्म हो जाएगा एक्सरसाइज। 6 नंबर में कह रहा है खरगोश युग्म की क्रमागत महीनों में संख्या, हाँ खरगोश युग्म की क्रमागत महीनों में संख्या। कह रहा है जब खरगोशों का एक युग्म अपने पहले महीने में प्रजनन करने योग्य नहीं है, हाँ प्रजनन करने योग्य नहीं है, दूसरे और प्रत्येक आने वाले महीने में एक नए युग्म का प्रजनन करता है, प्रत्येक नया युग्म अपने दूसरे महीने और प्रत्येक आने वाले महीने में एक नए युग्म का प्रजनन करता है, हाँ यह कोष्ट में कह भी दिया है कि यह मानते हुए कि किसी खरगोश की मृत्यु नहीं होती है, ठीक ना, किसी खरगोश की मृत्यु नहीं होती है। अब इस सवाल में यह कहा गया है कि खरगोश का एक जोड़ा है, एगो मेल है एगो फीमेल है, ठीक है ना, तो वो प्रजनन करके अपने जैसे खरगोश को बनाएगा, लेकिन ऐसा बात है कि पहला जो महीना है ना, वो पहला महीना में खरगोश जो है प्रजनन नहीं करता है, क्या करता है प्रजनन नहीं करता है, प्रजनन करने योग्य ही नहीं है। दूसरे और प्रत्येक आने वाले दूसरे महीना में फिर प्रजनन करेगा, तो दूसरा महीना में प्रजनन करेगा ये कह रहा है, और प्रत्येक आने वाले महीने में एक नए युग्म का प्रजनन करता है, यानी कि दूसरा महीना के अंत में फिर प्रजनन करेगा, फिर तीसरा महीना में प्रजनन करेगा और चौथा महीना में प्रजनन करेगा, ये कह रहा है सवाल में। हाँ और इसमें एक बात और भी कह रहा है कि यह मान लीजिए कि खरगोश की मृत्यु नहीं हुई है। अब पिक्चर को समझिए, हाँ पिक्चर को समझना है क्या, कि पहले एक युग्म है फिर दूसरे महीने में भी एक युग्म है, हाँ तो यहाँ पर लिख देना है पहले, हाँ लिखना खरगोश युग्म की क्रमागत महीनों में संख्या, खरगोश खरगोश युग्म की क्रमागत महीनों में संख्या, ठीक है क्रमागत महीनों में संख्या, ऐसा लिख सकते हैं हम लोग। अब यहां समझिए कि पहला महीना में तो खरगोश का जो जोड़ा है, जोड़ा मतलब पेयर, एगो मेल का एगो फीमेल का, एक जो मतलब ये जो लिखा जाएगा ना खरगोश की संख्या, वो जोड़ा में लिखा जाएगा, समझना है किस में लिखा जाएगा, जोड़ा में। तो ये समझना है कि पहला महीना में हाँ खरगोश कोई भी संतान को उत्पत्ति नहीं किया है, और एक महीना में कोई, क्योंकि प्रजनन करने योग्य नहीं है इसलिए, फिर मान के चलिए दूसरा महीना होगा तो प्रजनन तुरंत नहीं करेगा, एक महीना के बाद फिर करेगा ना, यानी कि एक महीना पहला महीना और दूसरा महीना खरगोश का कोई उत्पत्ति हुआ ही नहीं है, और दूसरा महीना अंत होने के बाद तीसरा महीना में खरगोश की उत्पत्ति हुई है, ठीक है ना, तो इसलिए यहां पर खरगोशों की संख्या में पहले एक होगा फिर एक होगा, ठीक है ना, और उसके बाद जब खरगोश तीसरा महीना में हुआ तो तीसरा महीना में फिर वो प्रजनन किया, तो यहां पर 2 लिख देना है, ठीक है ना, क्योंकि 2 जोड़ा हो गया, ठीक है ना, 2 जोड़ा, समझ रहे बात को ना, फिर जाकर के 3, फिर जाकर के 5, इस प्रकार से बढ़ता गया है। अब यहां समझ लीजिए कि यहां पिक्चर पे भी समझ लीजिए, पिक्चर में है पहला एक जोड़ा है, ठीक है ना, मेल और फीमेल खरगोश की ये चित्र बनाया गया है, और उसके बाद नीचे का एरो का चिन्ह दिया है, उसमें भी 2 है यानी एक जोड़ा, और फिर उसके बाद इधर से चिन्ह दे करके दिया है, ये दूसरा महीना के अंत में एक जोड़ा को जन्म दिया है, तो मतलब क्या हुआ, 2 हुआ ना, उसके बाद फिर नीचे का एरो का चिन्ह दिया है, और इसमें क्या है, इसमें क्या लिखा है देख लीजिए कि ये आपको ये जनन किया है, प्रजनन किया है, और फिर वही खरगोश जो प्रजनन किया है वो भी एक जोड़ा को प्रजनन करता है, इसलिए यहाँ 3 लिखा गया है। फिर उसके बाद का चिन्ह दिखेगा तो क्या होगा, 1 2 3 4 5 हो जाएगा, एक इसका तो 1 2 3 4 5 हो जाएगा, 1 2 3 4 5 ऐसे, जैसे यहां देखिए
ये एक जोड़ा है ना जी, तो एक लिखे है, फिर नीचे एक है, एक के जोड़ा है तो दो एक लिखे है, और फिर यह जो है यह एक जोड़ा को इधर जन्म दिया है, ये तीर का निशान दे करके दो एक यहां हो गया, ठीक है ना, फिर एक यहां हो गया, तो एक एक कितना हो गया दो, फिर यहां पर एक दो तीन, तीन लिखा हुआ ना, फिर यहां देखिए एक दो तीन चार पांच, पांच लिखे है ना, फिर अंतिम में क्या होगा एक दो तीन चार पांच छ सात आठ, पांच के बाद क्या हो सकता है आठ, आकृति समझ में आया। हाँ, तो ये इस प्रकार से हो गया। अब देखिए यहां पर क्या निकालना है, सार्वंतर निकालना है, क्या निकालना है सार्वंतर, यहां पर लिख देना डी बराबर, चित्र नहीं समझ में आया, अपने चित्र पर अगर आके ध्यान नहीं दीजिएगा तो नहीं समझ में आएगा, ठीक है ना। तो क्या होगा एक माइनस एक बराबर जीरो, फिर यहां डी बराबर क्या होगा दो माइनस एक बराबर एक, सार्वंतर समान नहीं हुआ, तो इसलिए क्या होगा, हाँ, क्रमागत महीनों में खरगोशों की युग्म क्या होगा एपी में नहीं होगा, यहां लिख देना अतः क्रमागत महीनों में खरगोशों की संख्या एपी में नहीं है, आंसर हो जाएगा। उसके बाद सात नंबर देना, देखिए इसका छह नंबर का आंसर में क्या दिया है, खरगोशों की क्रमागत महीनों में संख्या क्या है एपी में नहीं है, लिखा है ना लास्ट में रे, और जैसे हम लिखे हैं वैसे देखो ये भी लिखा है एक एक दो तीन पांच आठ लिखा है। अब देखिए यहां पर लास्ट में क्या कर रहा है, कह रहा है आखिरी में लगाई गई पूंजी की कीमत एक दो तीन वर्षों के बाद, जब पूंजी की राशि एक वर्ष के बाद स्वयं की पांच बटे चार गुनी हो जाती है, तो यहां पर लिखना है पहले एक, मतलब यहां पर लिख देना है प्रत्येक वर्ष के बाद लागत पूंजी प्रत्येक वर्ष के बाद लागत पूंजी बराबर x, कोष्ट में लिख देना माना, यह माने हैं। अब एक वर्ष के बाद यहां लिखना, एक वर्ष के बाद, एक वर्ष के बाद, एक वर्ष के बाद लागत पूंजी बराबर क्या होगा x का कितना, पांच बटे चार, x का पांच बटे चार, तो कितना हो जाएगा पांच एक्स बटे चार, ठीक है। फिर दो वर्ष के बाद लागत पूंजी हो जाएगा पांच एक्स बटे चार अगुना पांच एक्स बटे चार, ठीक है, तो ये हो जाएगा कितना पच्चीस एक्स बटे चार। तीन वर्ष के बाद क्या पूंजी होगा पच्चीस एक्स बटे चार अगुना कितना पांच बटे चार, तो कितना हो जाएगा ये एक सौ पच्चीस एक्स बटे कितना 16। अब इसका सार्वंतर निकाल के देखना है, सार्वंतर सार्वंतर निकालिए, यहां पर D बराबर लिख देना है, कितना D बराबर लिखना है पहले 25 एक्स बटे चार माइनस पांच एक्स बटे चार, तो कितना हो जाएगा बताइए, तो 20 एक्स बटे चार, चार पंचे 20,
पाँच एक्स हो जाएगा, फिर डी बराबर निकालेंगे 125 एक्स बटे 16 माइनस कितना 25 एक्स बटे 4, एलसीएम लेंगे तो क्या होगा 16 125 एक्स माइनस कितना हो जाएगा 100 एक्स, तो ये घटाएंगे तो 25 एक्स बटे 16। सार्वंतर समान नहीं हुआ है इसलिए लिखेंगे हाँ प्रत्येक वर्ष की लागत पूंजी एपी में नहीं है, अतः प्रत्येक वर्ष के बाद लागत पूंजी क्या है एपी में नहीं है, बस इसका आंसर हो गया। ठीक है ना, यह एक्सरसाइज यहां से खत्म हो गया।